गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो प्राकृतिक वनस्पति नामक चैप्टर शुरू हमने किया था उसमें अपन ने एक वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन दूसरी वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत बच्चों अपन जो है भारतीय वनों के प्रकारों को पढ़ रहे थे। दो वनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार और पर्णपाती वन जो पढ़ चुके थे। आज अपन तीसरे प्रकार का वन पढ़ेंगे, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके लिए कितनी बरसात चाहिए, प्रमुख पेड़ कौन कौन से होते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल है। इसमें दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष भर पर्ण रहित रहते हैं, झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इनमें पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी, प्लास इत्यादि प्रमुख पेड़ है। इन वृक्षों के नीचे 2 मीटर लंबी गुच्छ घास यानी कि घास पाई जाती है, जिसको गुच्छे में घास पाई जाती है, तो वो उस प्रकार की घास भी जो है पाई जाती है। तो ये थे अपने जो है चौथे प्रकार का वन है बच्चों, पर्वतीय वन। इसमें देखना, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के का साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव देखने को मिलता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहला उष्ण उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। देखना विशेषताएँ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्ण कटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपदीय पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी हिमालय के निचले क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिमी बंगाल तथा उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्रों में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी आपको पता है बहुत मजबूत होती है बच्चों, और निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जाती है। इसी तरह चिनार और वालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है वो भी पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय में प्रचुर मात्रा में ये वन पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और स्प्रूस नामक पेड़ों जो है वो 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है, जिससे ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह वन पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं देखना, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रोन ये प्रमुख वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड़ी और भूटिया इन चारागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर इस्तेमाल करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस व लाइन आदि पाए जाते हैं। तो ये पर्वतीय वन का पहला प्रकार था बच्चों, उत्तरी पर्वतीय वन, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। पर्वतीय वन का ही बच्चों दूसरा प्रकार है दक्षिणी पर्वतीय वन। इसमें देखना, प्रायद्वीप के तीनों भागों में मिलते हैं ये पश्चिमी घाट, जिसमें विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भी आ जाती है। ये श्रृंखलाएँ उष्ण कटिबंध में पड़ती है। इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, इसीलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की जो सोलास के नाम से इनको जाना जाता है, इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मैग्नोलिया, लेरेल, सिंकोना और बेटल का आर्थिक महत्व यानी कि
व्यापार की दृष्टि से ये पेड़ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये वन सतपुड़ा और मेकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। तो ये था बच्चों पर्वतीय वन। आखिरी टॉपिक है हमारे वनों के प्रकारों में, वो है वेलांचली या वह अनूप वन जिसको कहते हैं। देखते हैं, भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र एवं अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवला देवी राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के लिए जो है रक्षित जल कुकुट आवास है। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में बांटा गया है बच्चों। पहली है दक्षिण में दक्खन पठार के जलाशय, वो आर्द्र भूमि में आते हैं। फिर राजस्थान, गुजरात और कच्छ वाला जो हिस्सा है बच्चों, वो भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। फिर बात करें गुजरात और राजस्थान के पूर्वी जो केवला राष्ट्रीय पार्क है, वो भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। फिर चौथा, भारत के पूर्वी तट पे जो है डेल्टाई आर्द्र क्षेत्र, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। गंगा वाला क्षेत्र इसी में आता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बाढ़ के मैदान भी आर्द्र क्षेत्र में आते हैं। कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ भी आर्द्र क्षेत्र में आती है। और अंत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके उसमें पाए जाने वाले वन वाले क्षेत्र जो है वो भी आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बच्चों मैनग्रोव वन पे जो है एक प्रश्न बन सकता है, तो देखता है। भारत में मैनग्रोव वन जो है 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो विश्व के मैनग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हुए हैं। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण किया जाना आवश्यक हो गया है, यानी कि लगातार हो रहे अतिक्रमण की वजह से ये वन जो है आज खतरे में पड़ चुके हैं। अगर इनका संरक्षण नहीं किया जाए तो आने वाले टाइम में हो सकता है मैनग्रोव प्रकार के जो वन पाए जाते हैं वो विलुप्त या समाप्ति के कगार पर खड़े हो सकते हैं। तो बच्चों ये थे भारतीय वनों के प्रकार। वन मैंने बताया आपको कि वन 5 प्रकार के होते हैं भारत में। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन मैंने बताया था। दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बच्चों मैंने बताया था। तीसरा मैंने मानसूनी वनों के बारे में बताया था। चौथा पर्वतीय वन जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था, और आखिर में पढ़ा था अपन ने अनूप वन या अलांचली वन जो है जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अगर प्रश्न पूछे कि वन कितने प्रकार के होते हैं भारतीय वनों के प्रकार, तो ये 5 प्रकारों को आपको बताना है। अगली वीडियो में बच्चों अपन जो है वनों के जो है आवरण यानी वन कितने % भूमि को भारत को कवर किए हैं वो पढ़ेंगे। इसके अलावा वन संरक्षण के बारे में भी अध्ययन करेंगे, वन और वन्य जीवों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन आने वाली वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।